फाइनली हम आ चुके हैं ये एरिया में, ये है नालंदा यूनिवर्सिटी का। यहाँ से हमको ऑटो करना पड़ेगा, ऑटो करके हमको यहाँ पे घुमाएंगे इन लोग सारे सर यूनिवर्सिटी घुमाएंगे, तो देखते हैं कैसा कैसा है। तो अभी अभी तो बस रुकी है हमारे यहाँ पे, देखते भी पूरा मतलब फाइनल करते हैं। हमारी फैमिली भैया लोग बात कर रहे हैं, फाइनल करते उसके बाद देखते गाइस घूमना उमना जो भी होगा हमारा, तो कितना किलोमीटर है घूमेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी घूमते गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, देखते कैसी नालंदा यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ा इतिहास है नालंदा यूनिवर्सिटी का गाइस, वो भी जानते हैं। यहाँ पे 50 रुपये पर सवारी के हिसाब से होता है, तो यहाँ पे जो मैक्सी वैक्सी है इलेक्ट्रिक मैक्सी, तो ये लगी हुई है यहाँ पे 50 रुपये सवारी के हिसाब से। यहाँ पे बैठते गाइस लोग मैक्सी वैक्सी से गाइस, यहाँ पे आप आके 50 रुपये के हिसाब से आप सवारी के हिसाब से यहाँ पे भैया लोग से बात करके आप ले जा सकते हो, आपको घुमाएंगे लोग गाइस। पहले हम यहाँ पे बैठ चुके हैं और चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी घूमते हैं। काफी 6 जगह हमको बताया गया है, तो 6 जगह घूमते बताएंगे। सबसे पहले आप कहाँ लेके जाओगे? पहले ले जाएंगे वेन संघ मेमोरियल, जो नालंदा का विद्यार्थी आए थे यात्री पद पढ़ने के लिए। उसके बाद ब्रेक बुद्धा है, शिल्प ग्राम है, फिर आपका कुंडलपुर है, उसके बाद नालंदा विद्यापीठ। तो ये काफी सारे जगह हमको घुमाने वाले, तो चलते गए घूमते हैं फटाफट से। गाइस जो गलिया देख रहे हो आप, ये नालंदा की गलिया है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है तो ये नालंदा की गलिया गाइस देख रहे हो। आज मजा आएगा गाइस नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने में और बाकी सारे जगह घूमने में मजा आएगा गाइस आज। सो गाइस अभी जो हम एरिया में है, ये ब्लैक बुद्धा है जो हम लोग आए अभी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी खुदाई के दौरान मिला है, तो ये ब्लैक बुद्धा है गाइस। तो हम एंटर करते हैं अंदर में और देखते हैं ब्लैक बुद्धा गाइस। ये कुछ है इस तरीके का, ये ब्लैक बुद्धा है गाइस, इसको भगवान समझने की गलती ना करे, ये ब्लैक बुद्धा है गाइस जो निकला है साइड। ये गाइस सारे के सारे ब्लैक बुद्धा है गाइस, ये सारे के सारे ब्लैक बुद्धा, ये अपने सेल्स मेडेड है, बेचने के लिए रखा है इन्होंने। और ये जो है ब्लैक बुद्धा जो नालंदा यूनिवर्सिटी का खुदाई के दौरान मिला है गाइस। इस मूर्ति को देखकर ही नालंदा यूनिवर्सिटी का खुदाई हुआ है। ये भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन ये प्रतिमा उस समय की है जिस समय नालंदा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। जब यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक का अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, चूंकि मूर्ति कला का पढ़ाई ये प्रतिमा जो देख रहे हैं खुदाई से निकला हुआ मूर्ति, ये नालंदा का मेन मूर्ति। इस मूर्ति को देखकर ही नालंदा यूनिवर्सिटी का खुदाई हुआ। ये भगवान गौतम बुद्ध है, लेकिन ये प्रतिमा उस समय की है जिस समय नालंदा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। जब यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक का अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, चूंकि मूर्ति कला का पढ़ाई नालंदा में ही शुरू हुआ था, तो विद्यार्थी ने ही अपना कला का प्रदर्शन किया। ये जो कमल का आसन जो देख रहे हैं है ना, ऐसा ऐसा 5 और नीचे ये 7 के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन जब बख्तियार खिलजी नालंदा में आग लगाया, नालंदा को जब नष्ट किया, उस समय इस मूर्ति को भी चाहता कि हम अपना देश लेके चले जाए, तो पहले किराने का व्यवस्था था नहीं, तो हाथी घोड़े के सहारे से इनके गले में सीकर लगा कर ऊपर की ओर टांगते थे और नीचे की ओर छोड़ते थे। जब उठाते और जब छोड़ते गए, तो वजन के कारण ये 5 कमर का फूल नीचे धरते हुए चले गए। जब सोचे कि ये प्रतिमा नहीं जा सकते हैं, तब इनका सुंदरता को नष्ट किया। इसे हाथ का अंगुली आके देखिएगा, ये हाथ का अंगूठा है ना, पैर का अंगूठा, नाक, आंख, कान, इनका सुंदरता को नष्ट कर देगा। ये भगवान गौतम बुद्ध है, ये ज्ञान का ही भंडार है। ये प्रतिमा 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन पीडीएफ का ही, ये 2500 वर्ष पुराना मूर्ति है और इसीलिए गवर्नमेंट से बाहर रखा गया है। गाइज आप यहाँ पे आइए, कोई किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है गाइज ये, तो ये है सेल्फ मतलब जो हमारे बुद्धिज्म के लिए ओनली, तो ये किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप सभी को पता कि दुनिया बुद्धिस्ट थी और बुद्धिस्ट है गाइज, तो आप ही आके आइए और जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए गाइज। थैंक यू सो मच गाइज। ये नालंदा का इतिहास जो है किताब मैंने ले लिया है, इसको पढ़ेंगे और देखेंगे, इसका ज्ञान लेंगे गाइज, सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। और गाइज यहाँ से चलते हैं अपन दूसरी जगह पे अभी, तो दूसरी जगह कौन सी है देखते गाइज। यहाँ
यहाँ से घूम के तो हो चुका है, अभी कहाँ जाना है? चल रहे हैं भैंसंग मेमोरियल हॉल, नालंदा यूनिवर्सिटी का पहला विद्यार्थी आए थे चीनी यात्री, वहाँ चलेंगे। जहाँ पे पहले विद्यार्थी आए थे गाइस चीनी यात्री भैंसंग, क्या है? भैंसंग मेमोरियल, भैंसंग मेमोरियल हॉल जहाँ पे पहले चीनी विद्यार्थी आए थे गाइस, वहाँ पे चल रहे विजिट करने अभी। चलिए गाइस, आप नालंदा गाँव से 3 किलोमीटर जरा आगे जाओगे तो आपको मिलता है यहाँ पे भैंसंग मेमोरियल हॉल। तो गाइस वहाँ पे पहले चीनी बौद्धिस्ट चीनी यहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे वो पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं हम देखने के लिए गाइस।